स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन है आपका, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर acute angles for which the expressions are defined, है ना। That means कि हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, है ना, हमें प्रूव करना है इतना इक्वल्स टू इतना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम लेफ्ट लेके चलेंगे तो कैसे करेंगे, यदि राइट लेते हैं तो क्या हो सकता है, ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है कि कौन सा साइड लेकर हम आगे बढ़े। ठीक है, यदि हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे देन sec a cos 2 क्या हो जाएगा, 1 by cos a plus है तो प्लस, tan a को यदि लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं sin a by cos a, है ना। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो सकता है हमारा, cos a हमारा cos a LCM हो जाएगा, देन वी हैव 1 plus sin a। ठीक है, लेकिन हमारा लाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रूट अंडर लाना है। ठीक है, तो इसके बाद तो कुछ हमें कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, तो राइट हैंड साइड छोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो कुछ तो दिखेगा, यहाँ ये चीज हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल पर क्या है, रूट है और क्या है, 1 minus sin a। ठीक है, तो छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक प्रॉपर्टी है आपका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो है ना, उसके साइन अपोजिट वाले साइन से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमेरेटर में। ठीक है, फिर प्रोसेस होगा तो कुछ ना कुछ हमें आगे रास्ता दिखेगा। ठीक है, तो वही काम करते हैं। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट अंडर 1 minus sin a का कंजुगेट क्या होगा, रूट अंडर 1 plus sin a। ठीक है, तो मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट अंडर 1 plus sin a वी गेट। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ है आपका, अलग अलग भी कर सकते हैं, टोटल पर है और रूट तो अलग अलग, रूट अंडर 1 plus sin a डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 minus sin a, इसकी कंजुगेट से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट अंडर 1 plus sin a डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 plus sin a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर है हमें हमारे पास रूट अंडर 1 plus sin a, फिर रूट अंडर 1 plus sin a, डेट मीन्स की टू टर्म्स है, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 plus sin a, टू टर्म्स है तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं डिवाइडेड बाय, यहां हमें दिखाई दे रहा है टोटल पर रूट है 1 minus sin a इंटू 1 plus sin a, है ना। दैट मीन्स कि कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है 1 minus sin a इंटू 1 plus sin a। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का स्टेप आपका है स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, देन वी हैव 1 plus sin a। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 1 plus sin a डिवाइडेड बाय रूट है तो रूट चल रहा है। फिर है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स कि a के स्थान पे हो रहा है हमारा 1 एंड b के स्थान पे हो रहा है साइन a। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही अलजेब्रा में, क्या पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, देन वी है ए स्क्वायर दैट मींस की 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मींस साइन स्क्वायर ए। नाउ वी हैव 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 एंड ये हमारा साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन रूट अंडर 1 minus sin square ए, यहाँ एक फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला, एक तो ये सिंपल सा भाई कि साइन आइडेंटिटी है हमारा, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो वन के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन साइन कैंसिल, देन वी हैव कॉस स्क्वायर ए, एक ये हो गया। या फिर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो इसे अगर रीअरेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए उधर ले जाते, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और रूट है इसलिए वन लिखे, बच जाएगा कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए, एक स्टेप में लिख ही दे रही हूँ, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देन हमारे पास हो गया वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर के, तो रूट हट गया, देन यहाँ बचा कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए क्या है, वन प्लस साइन ए टोटल के नीचे कॉस ए है, सेपरेट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा वन के नीचे भी कॉस ए, प्लस है तो प्लस, और साइन के नीचे कॉस ए, ठीक है। देन वी हैव हमारे पास बचा वन बाई कॉस ए, डेट मीन्स की सेक ए जो हमें लाना था आ चुका है, प्लस साइन बाई कॉस डेट इज टेन ए, है ना। ये हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ क्या लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड, हेंस दोनों साइड क्या है रूट, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस रूट, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, यहाँ आपको थोड़ा सा एक तो एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे दो बार तीन बार, तो आप क्वेश्चन देखने के साथ जान जाएंगे कि हम इसको कैसे बनाना, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को देख के पहले एनालाइज कीजिए कि हम कौन सा साइड लेकर बढ़े आगे कि हम आंसर तक पहुंच जाए, प्रूफ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट लेकर, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।